नमस्कार, टुडे जीरा देखने वाले सभी दर्शकों को मैं अंकुश शर्मा एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे साथ जो शख्सियत बैठी इन सबको आप जानते ही हैं, सरपंच किशोरी दास सुदन जी, पंचायत लंबेड़ी ईस्ट के सरपंच। आज ये किसी खास मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं ये आज हमारे साथ किस मसले में बात करना चाह रहे हैं। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जानना चाहता हूँ आप किस मसले को ले, आज आपको लगता है कि बड़ा गंभीर मसले को लेकर आए, कोई बात करना चाहते हैं, तो क्या मसला है जी, आप बात बताएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी दर्शक मेरे सुनना मेरी आवाज़ सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जो आज जिस मसले पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो मसला है सीमा हैदर का। 20-25 दिन से मैं सीमा हैदर के बारे में नेट पर देख भी रहा हूँ, टीवी पर भी देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, और मेरा दिल बहुत बेचैन है। मेरी आयु 72 साल हो चुकी है, 73 स्टार्ट है। तो एक सिद्धू साहब की लाशीर में अचानक किसी ने हत्या कर दी थी। सिद्धू जो एक अच्छा लीडर नेता थे, मूसेवाला, सिद्धू मूसेवाला, वो मेरे पर परेशान बनी रही। तो अब सीमा जी की भी बहुत परेशानी बनी रही है। इस बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम कश्मीर से लेफ्ट साइड लास्ट बॉर्डर पूंछ, हमारा डिस्ट्रिक्ट पूंछ था पहले, अब डिस्ट्रिक्ट रजौरी अलग हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट रजौरी का रहने वाला हूँ, और पाकिस्तान की स्थिति मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जहाँ से सीमा हैदर आई है। मैं खुद पाकिस्तान POK का रहने वाला हूँ, 1947 में हम माइग्रेट होकर यहाँ आए। मेरे घर के जो हेड ऑफ फैमिली थे वो 5 आदमी उस गदर में गहरे ही रह गए। जो बच्चे 8-9 परिवार के सदस्य बाग के 2 घंटे पहले निकले वो बच के आ गए। मेरी दादी, मेरा दादा, मेरी माँ, मेरा पैड़ा बड़ा भाई 4 साल का था, मेरा चाचू 13 साल का था, वो वहाँ ही घेरे में आ गए। और वहाँ के लोगों लोग जो थे सती अफगानी पठान थे, उन्होंने उनको बहुत, मेरे दादाजी को बहुत शद्दत की, उनसे बहुत मारा पीटा। उसके बाद हमारे अपने घर में डाल के आग लगा के जला दिया गया। इसलिए अगर हमारी गवर्नमेंट सीमा को, चाहे वो ISI की है, कुछ भी है, हमारी एजेंसी जो है हिंदुस्तान की एजेंसी बहुत काबिले तारीफ है, और वो जांच कर रही है और ज़्यादा जांच हो चुकी है। अगर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा गया, जो हमारे भारतवर्ष में हमारी शर्म आई है, तो ये कभी जीवित नहीं बचेगी। पाकिस्तान का मीडिया की भी मैंने बातें सुनी, इंटरव्यू जब चलता है हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मीडिया वाले बातचीत करवाते हैं, मैं उस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। साथ एडवोकेट AK सिंह साहब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन सीमा की वजह से मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। और AP सिंह साहब एडवोकेट हैं, जो मेरे भी परिवार के 8-10 सदस्य हैं, जम्मू हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, लेकिन मैं शाबाश देता हूँ AK सिंह साहब को कि जिन्होंने एक गरीब महिला का, अनाथ महिला का जो केस फाइट कर रहे हैं, और मैं दिली तौर पर उनको आशीर्वाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ AK सिंह साहब कि जितना बूढ़ा होना था आप हो चुके, अब इससे बूढ़े आप नहीं होंगे, भगवान आपको तंदुरुस्त से देगा और सदा आप जवान रहेंगे। मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ और हमारी हिस्ट्री मेरे पिताजी ने सब मेरे को बताई है कि 47 के बाद हम यहाँ J&K स्टेट में कैंप में रहे 1952 तक। उस वक्त संविधान बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर हम लोगों को देने भाई गांव में शहरों में बसाया गया। तो पाकिस्तान मीडिया से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारी एक बेटी अंजू चली गई, 2-4 दिन में आपने उसका धर्म परिवर्तन कर दिया, उसका नाम अंजू से फातिमा रख दिया, हमें कोई चिंता नहीं, हमें कोई वहाँ पर कोई आपको अपराधी नहीं कह रहे हैं, लेकिन सीमा को आप लोग इतने कठोर शब्द, नाजायज गालियाँ, परेशानी दे रहे हैं, दुखी कर रहे हैं
इस चीज़ की मुझे बहुत चिंता है। देखिए पाकिस्तान से 47 में मेरे पीओ के तहसील भिम्बर, तहसील कोटली मीरपुर, तहसील पलंदरी, तहसील बाग, तहसील मुजफ्फराबाद, यहाँ के 26,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया और बुरे बहुत बुरे ढंग से मारा गया। और हमारी 5,000 नौजवान बच्चियों को यहाँ से अफगानिस्तान जा कर नीलाम किया गया। जो बच्ची शादीशुदा थी वो 100 रुपये में बेची गई, जो कुंवारी थी वो 200 रुपये में बेची गई। हमने कभी नहीं कहा पाकिस्तान पर कोई जुल्म या इतराज लगाया। पहले ये जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान ये सब इंडिया था, हिंदुस्तान का हिस्सा था एक। और मैं खुद, हम 11वीं सदी से लेकर के मेरा परिवार 15वीं सदी तक अफगानिस्तान के, हम अफगानिस्तान में रहे। और अफगानिस्तान मुझे जो मेरे पेरेंट्स ने बताया कि हमारा जो कस्बा था उसका नाम गढ़मुख्याला था। आप शाका तो पाकिस्तानी मीडिया के लोग इंक्वायरी कर लें। और जो परिवार के लोग हमारे मारे गए वो भी पीओके के लोगों से आप इंक्वायरी करके, वहाँ के जो मुसलमान भाई हैं वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो आपको पूरा सच बताएंगे। तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट से ये प्रार्थना करता हूँ, यहाँ के हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं रविंद्र रैना जी, जो मेरे पड़ोसी हैं, मेरे गांव के हैं, उनसे, और योगी जी जो सीएम हैं यूपी के, और हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी से मैं ये अपील कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि सीमा की, अगर वो जासूस नहीं है, वो मुझे लगता है वो जासूस नहीं है, तो उसको यहाँ की नागरिकता दी जाए ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण करें। और मेरी एक बेटी है, दो बेटे हैं, वो जब से मैं सुना हूँ, मैं आज ही बेड पेपर से उठ के तो मीडिया वाले भाई के सामने आया, पहले भी ये 15 दिन पहले आए थे, मेरी सेहत ठीक नहीं थी, मैं इंटरव्यू नहीं दे सका, तो आज इनके सामने 2-4 बातें कर रहा हूँ। और सीमा को मैं अपनी बेटी समान इज्जत दे रहा हूँ, मेरी एक बेटी है। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो सीमा भारत में आई है उसको यहाँ पे, उसको भारत का निवासी ठहराया जाए, उसको भारत का सिटीजनशिप दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अभी 2-4 साल से हमारे पड़ोसी कई मुसलमान भाई पाकिस्तान गए, और 70 साल के बाद मुझे पता लगा कि वहाँ पर मेरा एक मामा जी बचे हैं। अच्छा। गोरा गांव में। अच्छा। उनका नाम था नंदलाल, अब उनका नाम रखा गया है शेख मोहम्मद शरीफ। अच्छा। शेख मोहम्मद शरीफ। और मेरियाँ दो मौसियाँ थी, मेरी माँ की सके चाचे की बेटियाँ, उनको। तो आपका कहने का मतलब है कि आपके जो मामा जी के परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो है वो अभी पाकिस्तान में मौजूद है। एक मामा जी बचे, मामा जी के मेरी माँ के जो फादर थे, 7 भाई थे, मेरे नाना जी की पहले डेथ हो गई थी, तो नाना जी के 6 मेरे नाना जी, उनका परिवार पाराट स्कूल में 700 बंदे को जलाया गया, स्कूल और उस मोहल्ले में। एक मिनट मैं बताना चाहता हूँ, उस 700 में से 26 कुंभार राजपूत के थे, राजपूत बरादरी भी थी वहाँ पर, और बाकी जो थे वो ब्राह्मण थे, उनको वहाँ पर जलाया गया। और वहाँ के मुसलमान ही बता रहे हैं, वहाँ के भाई बता रहे हैं, और बहुत जुल्म हुआ उस गदर में 47 में। तो मेरी दो मासी अभी जिंदा हैं पाकिस्तान में। अच्छा, जिंदा हैं। कौन सी जगह हैं पाकिस्तान में, पता है आपको? पाकिस्तान में रावलाकोट में है। रावलाकोट है। हाँ। तो अगर इस समय कोई हमारी वीडियो पाकिस्तान से देख रहा है तो सरपंच साहब, आप अपने उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में जो बिछड़ गए कहीं ना कहीं हमसे, उनको आप क्या कहना, मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा जो मेरे मामा जी हैं, बुजुर्ग हैं, 3 साल पहले पता लगा था वो बीमार थे, पता नहीं है कि या स्वर्ग सुधार गए, तो उनको मैं आदाब कहना चाहता हूँ, नमस्कार। और जो मेरी मौसियाँ हैं उनके परिवार से, मामे से परिवार से, तो मैं पाकिस्तानी पीओके के भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ोन पर मेरी किसी से बात करवाएं। आप हम चाहेंगे अगर हमारी वीडियो पाकिस्तान में जो जिस तरह से आप बता रहे हैं अगर वो देखें तो मैं ज़रूर चाहूँगा आप अपना नंबर शेयर करें। मेरा नंबर है, हाँ, आप एक बार कैमरा जी जी, मैं पाकिस्तान के भाइयों को भी और हिंदुस्तान मीडिया को, खास करके एपीसी साहब को, अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहता हूँ, 9596 9596 77
9219 जी, आप ही रिपीट कर दें, 9596779219 के जी सूदन किशोरी दत्त सूदन मेरा नाम है। सरपंच साहब ने अपना फोन नंबर दिया है, अगर कोई भी जो सीमा हैदर का इस इशू को लेके कोई भी अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है जी, तो अगर पाकिस्तान में जिस तरह से इन्होंने जो इनके रिश्तेदार अगर वहाँ पे हैं पीछे, अगर वो इनसे बात करना चाहते हैं तो वो जो इन्होंने सरपंच साहब ने आपको नंबर दिए हैं आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। होता ही है क्योंकि जब आज से 47 से पहले सब हम सभी कहीं ना कहीं पाकिस्तान में रहते थे, उसके बाद हम लोग बिछड़ गए, आधे हमारे लोग वहाँ रह गए, आधे लोग हमारे यहाँ, हम भी अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि वहाँ पर हम ऐसे रहते थे ऐसे रहते थे ऐसे रहते, काफ़ी भाईचारा भी था। तो वो चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगा कि अगर उधर का कोई आदमी हमारी वीडियो देख रहा है तो वो अपने कमेंट में अपनी बात ज़रूर रखें, और जो लोग सरपंच साहब से बात करना चाहते हैं तो वो जो इन्होंने नंबर दिया है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी सरपंच साहब, बाकी मैं एक मिनट लूँगा जी, पाकिस्तानी भाइयों से मेरी ये अपील है, हम हिंदू मुसलमान 47 से पहले बिल्कुल इकट्ठा रहते थे, हम एक परिवार थे, लेकिन भगवान की करने जो भगवान को मंजूर होता है वही हुआ, बुरा हुआ। तो अब हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि एक दिन हमारा जो बीच का बॉर्डर है इसका मसला हल हो जाए, हम लोग पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान के लोग आएँ, अपने रिश्तेदारों को बड़े प्यार से मिलें, और हमें अमन चैन से रहना है। सीमा का या अंचू के मसले में हमारे ताल्लुकात ख़राब नहीं होने चाहिए, ये बच्चियों के अपना मसला था, अपना लव था, जो किया उन्होंने ठीक किया। दूसरा मेरी योगी जी से एक अपील है कि मैं गृहस्थी ब्राह्मण हूँ, तो मेरा बचपन से मेरे जो इष्ट देव हैं वो गुरु गोरखनाथ जी हैं, मेरे इष्ट देवता गुरु गोरखनाथ जी हैं, तो मैंने सुना कि ये भी उसी गद्दी से गुरु गोरखनाथ जी के गद्दी से आए हैं, तो इसलिए मेरी इनसे खास अपील रहेगी, पाकिस्तान में हमारे गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं रांझा, हीर रांझा, रांझा जी ने गुरुमंत्र हमारे सतगुरु गुरु गुरु गोरखनाथ जी से लिया था, इसलिए मैं रांझा को भी अपना गुरु भाई मानता हूँ, और जो हीर थी उसको अपनी गुरु बहन मानता हूँ। तो पाकिस्तानी भाइयों को मैं कहूँगा अगर कोई हीर रांझा के जो वहाँ वो यादगार बनी है वहाँ जाएं, मेरी तरफ से अदाब नमस्कार, और मेरा निकनेम बाबू है, और कह देना बाबू का सलाम नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सरपंच केडी सूदन जी, जिन्होंने आज जो अपने मन की बात थी, काफ़ी दिनों से परेशान कह रहे हैं कि जबकि मैंने ये न्यूज़ सुनी तो तब का मैं बड़ा बेचैन था, तो मैं अपनी बात रखना चाहता था, तो आज हमारे इस इंटरव्यू में इन्होंने अपनी जो दिल की बात थी वो आपके सामने रखी। आपका इस मसले को लेकर इस इशू को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।